हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन डेकोरेशन मेकओवर। हमारा दिन का शुरुआत किचन से ही होता है और अगर किचन ब्यूटीफुल रहे, क्लीन रहे, तो काम करने में भी मज़ा आता है। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा होम डेकोर वीडियोज या फिर सारा DIYs बिल्कुल भी जीरो बजट वाला हो या फिर बहुत ही मिनिमम बजट वाला हो। तो आज का वीडियो भी वैसा ही है, बहुत ही मिनिमम बजट में मैंने आज का मेकओवर किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंडियन ब्लॉगर सुतपा सिंह। और हाँ, मेरे सारे जो भी होम डेकोर वीडियोज़ है और जो भी DIY मैंने अभी तक अपलोड किया है, सारे वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो ज़रूर देखें। आज का वीडियो भी पूरा देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ पे जो एम्प्टी कॉर्नर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस कॉर्नर को फिल करेंगे। बहुत सारे DIY है जो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ये वन बाय वन मेकओवर करती रहूंगी और एक एक DIY आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमारा जो DIY है ये है, ये एक प्लाईवुड का, सॉरी मेरे बेटे का क्रेडल का ही ये एक ड्रायर है जिसे मैंने इस तरीके से पेंट करके यहाँ पे कुछ विंडो वाला शेप दे दिया है। तो इसे अभी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। फर्स्ट आई स्टार्टेड पेंटिंग दिस बॉक्स विथ वाइल्ड एक्रेलिक पेंट, बट बहुत सारे पेंट लग जाता है इसलिए मैं एशियन पेंट के जो व्हाइट पेंट मेरे पास ऑलरेडी था उससे मैं इस बॉक्स को पेंट कर रही हूँ। ब्लैक कलर के स्क्वायर शेप के चार्ट पेपर के ऊपर चारों तरफ से मैं इन आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। इस तरीके का तीन आर्ट पीस मैंने बना लिया है जिसपे मैंने मेरे टी और कॉफी स्टॉल के लिए कुछ कोट्स लिखा है। सेम प्रोसेस से मैंने ब्लैक चार्ट पेपर एंड आइसक्रीम स्टिक से ये विंडो शेप वाला आर्ट पीस तैयार कर लिया है। मैं अभी इस व्हाइट बॉक्स के ऊपर स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ 3M टेप। मेरे पास कुछ बचा हुआ वॉल पेंट था जिसे मैं इस प्लाईवुड के ऊपर पेंट कर रही हूँ। काउंटर टॉप के ऊपर प्लेस करके इस छोटे से कॉर्नर का एक मेकओवर करूंगी। ये है एक पुराना कैनवस जिसका हुक मैं अभी रिमूव कर रही हूँ। अभी मैं एक्रेलिक कलर से इस कैनवस का जो फ्रेम है इसे पेंट कर रही हूँ। कार्डबोर्ड के ऊपर फेविकॉल से चार्ट पेपर को स्टिक करके मैं एक हैंडमेड कैनवास तैयार कर रही हूँ। हैंडमेड कैनवास के ऊपर मैंने कुछ पेंटिंग बना लिया है। अभी मैं डिफरेंट कलर से इसे पेंट कर रही हूँ। पेपर के ऊपर पेंट कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर यूज किया है।
फ्रेम के अंदर चारों तरफ से मैंने थोड़ा सा रेड एक्रेलिक से बॉर्डर क्रिएट किया है। मैं इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। अभी मैं इसके ऊपर मोटिवेशनल कोट लिख रही हूँ। बॉटल जिसे मैंने पेंट किया है उसे अभी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। दिस इज अनदर वन ब्लैक एंड व्हाइट जो कि इस जगह का जो थीम है उसके साथ बहुत अच्छे से मैच होगा। बहुत अच्छे से मैच होगा। ये भी वही चाय वाला ट्रे है, मतलब यहाँ पे एक केटल है एंड दो कप्स है और लिखा हुआ है टी इज अ रिलीजियन ऑफ द आर्ट ऑफ लाइफ। सो इसे भी मैं यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। DIY के लिए भी मैं आइसक्रीम स्टिक्स यूज कर रही हूँ और इसे डिफरेंट कलर से पेंट कर रही हूँ। टी स्टॉल के लिए इन आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर मैं मेनू लिख रही हूँ। थीन रोप के ऊपर मैं इन आइसक्रीम स्टिक्स को फेविकॉल के मदद से स्टिक कर रही हूँ और इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए कुछ पेपर को कट करके इन आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर बैक साइड से अच्छे से स्टिक कर दिया। आई थिंक दिस इज द क्यूटेस्ट DIY ऑफ टुडेस मेकओवर। ये मुझे करते बहुत बहुत मजा आया। तो इसे अभी हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। ये है और एक DIY जिसे मैंने किया है कार्डबोर्ड एंड चार्ट पेपर से और इसमें कुछ किचन कोट्स, मोटिवेशनल किचन कोट्स, फनी किचन कोट्स मैंने लिखा है एक्रेलिक पेंट से इसके ऊपर। तो इसे अभी हम माइक्रोवेव के ऊपर जो ये जगह है यहाँ पे हैंग करने वाले हैं और मैं आपको दिखा दूँ इस जगह को मैंने ऑलरेडी डेकोरेट कर लिया था। यहाँ पे मैंने एक मनी प्लांट रखा है और यहाँ पे एक बास्केट रखा है और उसके ऊपर रखा है ये इलेक्ट्रिक केटल और ये एक बॉटल आर्ट है जो मैंने किया था बहुत पहले जिसे मैंने यहाँ पे रखा है अभी। तो नाउ इट्स टाइम टू हैंग इट ओवर हियर। ये है एक बॉटल जिसमें जिसका जो सेंटर पोर्शन है ये कट करके मैंने इसमें मिट्टी डाल के कुछ हैंगिंग प्लांट लगा दिया है। अभी हम इसे हैंग करने वाले हैं इस तरीके के बास्केट के अंदर।
इस तरीके का बास्केट आपको मिल जाते हैं, कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी। मैंने इसे डीमार्ट से लिया था, सेट ऑफ थ्री था और ये सबसे छोटा वाला है। तो इसे मैंने दोनों जूट रोप के साथ बांध दिया है। तो अभी हम इस प्लांट को इसमें प्लेस करेंगे। लुकिंग लाइक दिस। और मेरे पास ये एस हुक था एक, तो इसके मदद से मैं इसे किचन का जो ये पोर्शन है यहाँ पे हैंग करने वाली हूँ। इस कॉर्नर पे मैंने रखा है एक शेल्फ। मैं चाहती थी कि मेरे जो सारे ग्लास जार्स है एक ही जगह में अरेंज रहे, तो इन सारे ग्लास जार्स में मैंने रखा है कुछ पल्सेस, स्पाइसेस, मैक्रोनीज एंड ड्राई फ्रूट्स, जो कि इजीली अवेलेबल भी है और दिखने में भी सुंदर लग रहा है। हैंगिंग हुक के मदद से मैंने यहाँ पे कुछ तावा या फिर कुछ पैन्स को हैंग किया है जो कि रेगुलर यूज होती है। यहाँ पे जो हैंगिंग क्लैंप आप देख रहे हैं, इसे मैंने मेरे पिछले किचन मेकओवर वीडियो में शेयर किया था, इसे भी मैंने DIY किया था। आज के मेकओवर का मेरा फेवरेट पार्ट है ये टी स्टॉल। एंड बिलीव मी गाइस, यहाँ पे ये जो लाइट्स मैंने ऐड किया है उसके बाद इस जगह का जो लुक है बिल्कुल भी बदल गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस जार के अंदर मैंने रखा है कुछ ड्राई फ्रूट्स। सेरामिक पॉट के अंदर मैंने रखा है मेरे सारे स्पैटुलर्स एंड नाइफ। ये जो स्पैटुलर्स है इसमें पहले ही मैंने पेंटिंग किया था, ये भी मेरा DIY किया हुआ है और इसे मैंने मेरे पिछले किचन मेकओवर वीडियो में शेयर भी किया था। मैंने एक्रेलिक पेंट से ये जो शुगर एंड सॉल्ट का जो जार का कैप से इसे पेंट किया।
काउंटर टॉप का ये जो साइड है, यहाँ पे मैंने एक बास्केट के अंदर रखा है कुछ वाटर बॉटल्स। एज अ स्पून रेस्ट यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है एक छोटा सा ट्रे। एंड दिस इज द नाइट व्यू ऑफ माय स्वीट एंड सिंपल किचन। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।